हम लोग पिछले 10 साल से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और इस जुड़ इसमें जो 10 साल में महानगर पालिका में घोटाले हुए उस घोटाले को सामने लाएंगे। जैसा स्टारबक्स घोटाला है, घाट की लकड़ी का घोटाला है, उसके बाद पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का घोटाला है, जैसे कि टैक्स बढ़ाने का काम है, स्ट्रीट लाइट के घोटाले है, कंपाउंडर को डॉक्टर बनाने का घोटाला है, ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं जिसको लेकर हम इलेक्शन में कूदने वाले हैं। सबसे पहले तो 20 साल से पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मैं जैसा ही जीत के आया उस दिन से मैंने पानी के विशेष करके ख्याल दिया पानी के तरफ, और पानी मैंने टैंकर मुक्त प्रभाग बनाया, जहाँ आज एक भी टैंकर मेरे यहाँ नहीं लगता है। जितना बड़ा प्रभाग है, उठखाना है, हनुमान नगर है, चंदन नगर है, वंजारी नगर है, महेश कॉलोनी है, ये इतना प्रभाग। इसके साथ मैंने वकील पेट में भी बहुत काम किया है, तब और आजू बाजू में भी किया है, लेकिन वकील पेट में भी बहुत सारे काम किए हुए हैं जो मेरे प्रभाग में नहीं थे। इसके बाद आप देखेंगे मेरा, आप एरिया घूमे होंगे तो मेरे एरिया में आपने कहा स्ट्रीट लाइट का बहुत पुअर प्रॉब्लम था, स्ट्रीट लाइट पूरे नए पोल डलवाया। आप देखेंगे हर गली में मैंने सीमेंट रोड बनवाए। उसके बाद गार्डन है, हर गार्डन में जिम लगाए, ग्रीन जिम लगे हुए है, हर गार्डन हरे भरे और खुशहाली है कि लोग जाके लगे कि लोगों को कुछ हुआ है। यानी पानी की समस्या, उसके बाद तुम्हारी लाइट की समस्या, लाइट के बाद रोड की समस्या, रोड के बाद साफ सफाई की समस्या, थोड़ी बहुत मेरे यहाँ प्रॉब्लम है सीवर लाइन की कुछ मोहल्ले में, वो भी कैसा है कि लोगों ने जो अतिक्रमण करके रखा है उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब आने वाले दिनों में उस समस्या, आने वाला 2017 का जो इलेक्शन होगा, मुझे विश्वास है मेरी जनता पर कि मुझे फिर से मेरा जो काम है उसकी मुझे रिसिप्ट देंगे और फिर से जिताएंगे। तो आने वाले दिनों में उस सीवर लाइन का एक छोटा सा मेरे यहाँ प्रॉब्लम है, सीवर लाइन का प्रॉब्लम मैं हल करूँगा।